हीरोज कोई स्पेशल पावर के साथ पैदा नहीं होते, ये ऑर्डिनरी लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते हैं जब इनके परिवार, समाज, देश या इंसानियत को ज़रूरत होती है। ठीक ऐसे ही हैं हमारे सैनिक, जो वैसे तो बिल्कुल आम इंसान की तरह है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो अपने फिजिकल लिमिटेशंस के हदों को पार करके कुछ ऐसा अदम्य साहस भरा काम कर जाते हैं जिससे पूरे समाज में अपनी छाप छोड़ जाते हैं। आज हम ऐसे ही 5 बहादुरों की कहानी जानेंगे, तो मेरे साथ इस मज़ेदार सफ़र में चलने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ओडिशा में फैनी नाम के साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई है और ओडिशा के लोगों को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि लोगों के फसलें बर्बाद हो चुकी है, उनके पेड़ पौधे घर बर्बाद हो चुके हैं, लोगों के पास पीने का सही पानी नहीं आ पा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन डैमेज हो चुका है और ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं जिनके पास पीने का पानी और खाना अरेंज करना भी मुश्किल हो गया है। तो एक ज़िम्मेदार देशवासी होने के खातिर आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप उन लोगों की मदद करें। और ये मेरा पर्सनल अनुभव है कि आप जितना दान करते हैं आपको उसका दुगना अमाउंट में वापस मिलता है, और कोई अगले जन्म में नहीं बल्कि आज इसी वक्त मिलता है। लेकिन आप बिना कोई अपेक्षा किए जितना दे सकते हैं उतना ज़रूर दीजिए। और इसे देने का प्रोसेस मैं आपको बता दूं, आप CMRF यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड ओडिशा में डायरेक्ट जा करके ऑनलाइन बैंकिंग या डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, और ये बहुत सेफ़ और सिक्योर प्रोसेस है। इससे आपका पैसा डायरेक्ट ओडिशा के चीफ मिनिस्टर यानी सरकार के रिलीफ फंड में आ जाएगा, आपदा रिलीफ फंड में, जिससे कि वो डायरेक्ट उन लोगों तक मदद पहुंच जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं साहिल चौधरी आप सबका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल इंडिया टॉक्स पे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके यहां वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं कि इंडिया टॉक्स ने अपना नया स्टोर लॉन्च कर दिया है, और इंडिया टॉक्स का नया स्टोर जिसका नाम है बलिदान, वो बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। और आप उस स्टोर से बहुत ही अच्छे क्वालिटी के टी शर्ट्स बहुत ही सस्ते दाम में यानी इंडियन आर्मी टी शर्ट्स खरीद सकते हैं। और एक बार ये स्टोर पूरी तरीके से लाइव आ गया तो उसके बाद तुरंत आपको इसके बारे में जानकारी दे दी जाएगी जब आप जा करके डायरेक्टली इसमें शॉपिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पे है कैप्टन अनुज नायर। अनुज नायर एक ऑफिसर थे 17 जाट रेजिमेंट के, जिन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया था, जो कि इंडिया का सेकेंड हाइएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, जो उन्हें 1999 के कारगिल युद्ध में अदम्य साहस के लिए मिला था। अनुज की प्लटून जब टाइगर हिल को कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ रही थी तो अनुज के प्लटून के कंपनी कमांडर घायल हो गए, जिसके बाद इस प्लटून को 2 ग्रुप में बांट दिया गया था, जिनमें से एक ग्रुप को लीड कर रहे थे अनुज नायर, वहीं दूसरे ग्रुप को लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने .4875 पे बहुत सारे बंकर्स कंस्ट्रक्ट कर लिए थे। अनुज की कंपनी ने 4 बंकर्स को खोज निकाला और पहले बंकर पर अटैक कर दिया। असॉल्ट के दौरान अनुज ने एक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड फेंका पहले बंकर पे, जिसने पहले बंकर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद ये कंपनी बाकी 3 बंकर्स की तरफ पड़ी, जब पाकिस्तान की तरफ से इन्हें बहुत ज़्यादा हैवी मोर्टार फायर झेलना पड़ा। फिर भी अनुज के लीडरशिप के अंडर कंपनी ने 2 और बंकर्स को क्लियर कर लिया, लेकिन जब आखिरी और चौथे बंकर की तरफ आगे बढ़े तो वहाँ हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने लगा। और जब ये 4th बंकर को क्लियर कर ही रहे थे तब एक एनिमी का RPG शेल सीधे अनुज के ऊपर गिरा, जिससे अनुज की वहीं पर मौत हो गई। इस सीन को फिल्म LOC कारगिल में भी दर्शाया गया है। अनुज के मरने के तुरंत बाद ही दूसरी चार्ली कंपनी, जिसे लीड कर रहे थे कैप्टन विक्रम बत्रा, उन्होंने सक्सेसफुली 4th बंकर को क्लियर कर लिया और .4875 को सिक्योर कर लिया। बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। हमारे अगले वीर हैं कॉलोनल नील कांतन जयचंद्रन नायर। कॉलोनल नायर, जिन्हें पॉपुलरली NJ कहा जाता था, ये बहुत ही आउटस्टैंडिंग और डेकोरेटेड ऑफिसर है इंडियन आर्मी के। नायर को कमीशन किया गया था 16वें मराठा लाइट इन्फेंट्री में 18 जून 1971 में, और 1993 में 16वें मराठा लाइट इन्फेंट्री को डिप्लॉय किया गया था नागालैंड में। उसी साल 20 दिसंबर को जब वो अपने बटालियन को एक रास्ते पर लीड कर रहे थे तब उनके कन्वॉय के ऊपर नागा रिबल्स ने अटैक कर दिया और उन्हें घेर लिया चारों तरफ से। कॉलोनल नायर ने अदम्य साहस दिखाते हुए खुद अटैक किया और पर्सनली उस घेराबंदी को तोड़ने का काम किया, जिसमें उन्हें गोली लग गई और उनकी मौत हो गई, और उन्होंने बदले में अपने सारे जवानों को बचा लिया। यानी वो अकेले ही सारे विद्रोहियों से लड़ पड़े और आखिर में मारते मारते खुद एक गोली खा करके शहीद हो गए, लेकिन अपने एक भी जवान को एक खरोंच तक नहीं आने दिया। अब अगर हम इसे भाईचारा नहीं कहेंगे तो और किसे कहेंगे। कॉलोनल नायर ने यह दिखा दिया कि सेना का सबसे बड़ा मोटिव है कि जितने भी तुम्हारे प्लटून के सैनिक हैं वो सब तुम्हारे भाई हैं,
और हर एक सैनिक का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो खुद को बचाने से पहले अपने भाई को बचाएगा। कभी भी मैदान में अपने भाई को मरता हुआ देख करके दुश्मन से डर करके भागेगा नहीं, अपने भाई को अपने साथ लाएगा। इसलिए आपने बहुत बार देखा होगा कि पाकिस्तान और चीन के कायर सैनिक जब भारत की तरफ से कोई भी हमला होता है तो अपने सैनिकों को छोड़ करके अपनी जान बचा के भाग जाते हैं, लेकिन भारत में बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई सैनिक अपने साथी को भले ही वो मर भी क्यों ना गया हो उसे छोड़ करके वापस आए। और जब भी किसी सैनिक से ये पूछा जाता है कि उन्होंने अपने साथियों की जान बचाने के लिए, अपने किसी एक साथी की जान बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में क्यों डाल दिया, तो उनका जवाब यही होता है कि अगर वो भी मेरी जगह होता तो वो यही करता। और अपने साथियों पर यही भरोसा हमारे सेना के ताकत की बुनियाद है। इस साहस भरे कार्य के बाद कॉलोनल नायर को अशोक चक्र और साथ ही साथ कीर्ति चक्र से नवाजा गया, और ये भारत के सिर्फ अकेले ऐसे सैनिक हैं जिन्हें ये दोनों प्रेस्टिजियस अवार्ड से नवाजा गया हो। तीसरे नंबर पर हैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। आपको बॉर्डर मूवी के सनी देओल का तो रोल याद ही होगा। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन बॉर्डर मूवी में सनी देओल ने जिस सैनिक का रोल निभाया था वो एक रियल लाइफ हीरो हैं। उनका नाम है ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी। ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह वेल नोन हैं अपने साहस और लीडरशिप स्किल्स के लिए जो उन्होंने बैटल ऑफ लोंगेवाला के दौरान दिखाया था, और इसके लिए उन्हें सेकेंड हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर लैंड यानी महावीर चक्र से नवाजा गया था। मेजर सिंह अपने सैनिकों के साथ लोंगेवाला पोस्ट डिफेंड कर रहे थे, जो राजस्थान का एक पोस्ट था जिस पर पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक किया था 1971 के वॉर के स्टार्टिंग फेज में। लोंगेवाला 23rd बटालियन पंजाब रेजिमेंट के अल्फा कंपनी के सिर्फ 120 सैनिकों के बल पर था और जिन्हें लीड कर रहे थे मेजर सिंह। इन 120 सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तानी सैनिकों से बहुत ज़्यादा आउटनंबर्ड होते हुए भी पाकिस्तानी सैनिकों से जो साहस से लड़ा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पाकिस्तान के 22वीं आर्मर्ड रेजिमेंट के साथ साथ पाकिस्तान की 4th इन्फेंट्री बटालियन भी यहाँ लगी हुई थी, यानी पाकिस्तान के सैकड़ों टैंकों से इन सैनिकों ने अकेले युद्ध किया, वो भी रात 12:30 बजे जब अटैक हुआ तब से लेकर के सुबह तक जब इंडियन एयरफोर्स को आने की अनुमति मिली, क्योंकि उस समय इंडियन एयरफोर्स के विमानों के पास रात में उड़ने की काबिलियत नहीं थी, इसलिए उन्हें सुबह तक का इंतज़ार करना पड़ा। लेकिन सुबह होते ही उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर जो अटैक किया उसमें पाकिस्तान के 26 टैंक ध्वस्त हो गए और पाकिस्तान के ढेर सारे आर्मर्ड रेजिमेंट कैरियर्स भी तबाह हो गए। नंबर 2 पे हैं कैप्टन विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा एक और कारगिल के हीरो हैं और इन्होंने टाइगर हिल को कैप्चर करने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कैप्टन विक्रम बत्रा ने दुश्मनों से टाइगर हिल को वापस छीन लिया था, लेकिन जब एनिमी ने काउंटर अटैक किया तो इसमें इनकी मौत हो गई थी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने मरते समय एक लफ्ज़ कहा था, जय माता दी। कैप्टन विक्रम बत्रा इंडिया में बहुत फेमस है अपने स्लोगन के लिए जिसका नाम था ये दिल मांगे मोर, और ये वो सिग्नल था जिसे यूज़ करते थे अपने मिशन के सक्सेस को कम्युनिकेट करने के लिए। इन्हें पाकिस्तानी आर्मी शेर शाह के नाम से बुलाती थी। इस रोल को एलओसी कारगिल मूवी ने एक्टर अभिषेक बच्चन ने निभाया था। कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया था, जो भारत का हाईएस्ट और मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड है। अब बारी नंबर 1 की। नंबर 1 पे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत। जसवंत सिंह रावत एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिंबल हैं ब्रेवरी के। ये एक लेजेंड है इंडियन आर्मी के जिन्होंने 1962 के इंडिया चाइना वॉर में पार्ट लिया था। ये गढ़वाल राइफल्स के 4th बटालियन में अपॉइंटेड थे। युद्ध के दौरान इन्हें अपने पोजीशन से हटने के लिए कहा गया था क्योंकि इनके बटालियन को हैवी कैजुअल्टी झेलनी पड़ी थी, लेकिन जसवंत सिंह रावत अकेले उस पोस्ट में रुके रहे चीनियों से लोहा लेने के लिए और अपने भूमि को चीनियों से बचाने के लिए। इन्होंने चीनियों से बेहिसाब बहादुरी और इंटेलिजेंस के साथ युद्ध किया। इन्होंने इसमें 2 मोनपा ट्राइबल गर्ल्स की मदद ली जिनका नाम था सेला और नूरा। इन्होंने वेपन्स को अलग अलग पॉइंट्स पर फिक्स कर दिया जिसके बाद इन्होंने एक फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फायर को मेंटेन किया जिसने चीनियों को ये मूर्ख बनाया और उन्हें ऐसा लगा कि वो एक बड़े बटालियन से सामना कर रहे हैं। और इसी तरह ये चीनियों को 3 दिन तक मूर्ख बनाते रहे। चीनियों को ऐसा लगता रहा कि वो बहुत बड़े बटालियन का सामना कर रही है जो क्रॉस फायरिंग कर रही है चीन के ऊपर। ये सब 3 दिन तक चलने के बाद चीनी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। आखिर में फ्रस्ट्रेशन के कारण चीनियों ने उस आदमी को कैप्चर कर लिया जो जसवंत सिंह को राशन प्रोवाइड करता था,
और इस बात का पता चलते ही जसवंत सिंह रावत ने खुद के सर पे गोली मार ली, ये जानते हुए कि उसे चीनी कैप्चर कर लेंगे बहुत ही जल्द। चीनी ये सुनकर भिन्ना गए कि वो एक अकेले सैनिक से इतने दिनों से लड़ाई कर रहे थे, और गुस्से में आकर के उन्होंने जसवंत सिंह का सर काट लिया और उसे अपने साथ चाइना ले गए। लेकिन जब 1962 का युद्ध खत्म हुआ और चीन और भारत के बीच सीज फायर का ऐलान हो गया, तब चीन के एक कमांडर ने जसवंत सिंह के बहादुरी से इतना प्रभावित हो गए कि उन्होंने जसवंत सिंह के सर को वापस कर दिया और साथ ही साथ उस सर के साथ साथ एक और तांबे का सर बना करके दिया, यानी जसवंत सिंह का एक तांबे का चेहरा बनाकर इंडियन आर्मी को भेंट दिया। इस तांबे की मूर्ति को चाइना में क्रिएट किया गया था इस बहादुर सैनिक को ऑनर देने के लिए, और ये आज भी उसी साइट पर इंस्टॉल्ड है। जसवंत सिंह की मदद जो दो लड़कियां कर रही थी, उनमें से एक को मारा गया और दूसरे को कैप्चर कर लिया गया था। जसवंत सिंह रावत इंडियन आर्मी के इतने लंबे इतिहास में वो अकेले ऐसे सैनिक है जिन्होंने मरने के बाद एक राइफलमैन के पोस्ट से एक कैप्टन तक का सफ़र तय किया है, यानी इन्हें मरने के बाद राइफलमैन से प्रमोट करते करते एक कैप्टन का दर्जा दिया गया था, और इस वीर को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया है। दोस्तों, ये सारी अदम्य साहस की कहानियों को हम कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से कौन सा वो कहानी है जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया और जो आपको सबसे ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है इस वक्त, तो वो कौन सा होगा, नीचे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे इन सैनिकों के साहस को अपने सारे व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाइए, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए अगर आपको हमारा मेहनत पसंद आया। और ऐसे मज़ेदार वीडियोस देखते रहने के लिए इंडिया टॉक्स को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।